हेलो एवरीवन, अब हम मैग्नेट का अगला पार्ट सीखने वाले हैं। जैसे मैग्नेट को कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सीखा था। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, वैसे ही आपका मैग्नेटिक डाइपोल क्या आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अनलाइक पोल्स आर देयर। मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। ये दो अनलाइक पोल है ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ। देखिए, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को एम बोलते हैं, नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को एम बोलते हैं। सर मतलब क्या है? आपका जो साउथ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज निगेटिव, एंड नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डायपोल और एनालॉगी ऑफ विद दिस, ये रहता है प्लस, ये रहता है नेगेटिव, ये रहता है पॉजिटिव। लेकिन इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा इक्वल रहती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका रहेगा पोल स्ट्रेंथ और इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस को हम नाम देंगे 2L। सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक डायपोल? इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ। दोनों की पोल स्ट्रेंथ, पोल की कैपेसिटी इक्वल है, सेपरेटेड बाय कौन सा डिस्टेंस है बोलिएगा? फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये मैग्नेट के साउथ पोल और मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर का डिस्टेंस आता है मैग्नेटिक लेंथ, जिसको कहते हैं 2L। और मैग्नेट के साउथ पोल के स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो लेंथ आता है उसको कहते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। क्या कहते हैं बोलिएगा? जियोमेट्रिकल लेंथ। चलो, गॉट इट? समझ में आया कंसेप्ट मैग्नेटिक डायपोल? वेरी गुड। अगले लेक्चर में सीखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और उसकी स्पेशल केसेस। गॉट इट? चलो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।